देखता हूँ ब्लॉग कैसे हो आप। सो उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक स्वस्थ होंगे। तो भाई काफ़ी दिन बाद कैमरा के सामने आया हूँ। काफ़ी दिन भाई हो गए, 5-6 महीने ज़्यादा ही लगा लो। चलो मैं भाई डेली करता हूँ, आज ब्लॉगिंग करता स्टार्ट करता हूँ, आज ब्लॉगिंग स्टार्ट करता हूँ, बट नहीं हो पाता। आज थोड़ी जल्दी उठ के कोशिश की, मगर आज से ब्लॉग स्टार्ट करें कंटिन्यू। तो आज से ब्लॉग स्टार्ट हो गया अपने, कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, चलते हैं और दिखाएंगे अभी चल के आ गए आपको। रानी खड़ी फॉर्च्यूनर नहीं है अभी, आ गई अपनी, इसमें चलते हैं। लो जी अंदर से देखो, और भाई अभी दिखाते हैं थोड़ी देर में, पहले घर से निकल लेते हैं। अभी जा रहे हैं, एक भाई खड़े गाड़ी लेके, उसके पास स्कॉर्पियो एन जेड 8 लग्जरी और अपनी खाली स्कॉर्पियो जेड 8। तो इसमें दोनों में खड़ी करके एक साथ डिफरेंस दिखाते हैं आपको, क्या क्या डिफरेंस है। तो अभी बस पहुंचने वाले भाई के पास, फिर दिखाते हैं आप पहुंच के आपको। तो भाई पहुंच के लोकेशन पे दोनों गाड़ी सामने खड़ी है, दिखा देते हैं आपको। ये देखो भाई, ये वाइट कलर की है स्कॉर्पियो एन जेड 8 लग्जरी, और मेरी वाली भाई ये ब्लैक कलर की जेड 8 खाली। तो इन दोनों में डिफरेंस पहले तो इसके ओनर से मिलाते हैं, मालिक से। हाँ जी, किस रेंज में गाड़ी ली आपने? 24 लाख। मैनुअल ऑटो? मैनुअल। महंगी नहीं ले ली? महंगी ले ली। कैसे, कोई रीज़न? थोड़ा सा रीज़न है, कोई बीच में है दलाल मतलब कमीशन खाने वाला कोई ऐसा होगा बंदा? और मेरे को वैसे ही डाउट लग रहा है। अच्छा, तो सर इस रेंज में तो मैनुअल महंगी ले लिया आपने ज़्यादा कुछ? 24 लाख की बड़ी है। चलो कोई नहीं, ले लीजिए, अब गाड़ी तो लेनी थी आपको, ठीक है। तो अब दोनों भाई डिफरेंस दिखाते हैं। एक तो भाई इसका टायर का पहले बता देते हैं आपको। इस वाली में है जेड 8 में टायर साइज 17 इंची, और भाई इसमें है लग्जरी में 18 इंची। ये डिफरेंस एक तो भाई, ठीक है। और आगे भाई इसमें फ्रंट कैमरा है ये वाला, ये सामने ये रहा, इसमें है नहीं है। और तो भाई ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, बट अंदर से भी है थोड़ा बहुत। अंदर से दिखाते हैं आपको, पहले इसी को दिखा देते हैं जेड 8 को। देखो भाई मेरी है ऑटोमेटिक भाई, सीट मेरी अल्टरनेटर नहीं है, और बाकी तो आपको पता ही भाई, सब कुछ सेम गाड़ी के अंदर जो भी है। अब करते भाई इसके स्पीकर की बात। इसमें है लग्जरी में 12 स्पीकर, एक तो ये हो गया डैशबोर्ड पे, दो ये ऊपर फ्रंट पे, और दो रियर पीछे, वो सामने दिख रहे होंगे आपको, और तीन, एक बता रहे क्या बता रहे थे, एक बूफर बता रहे पीछे, वो भी देख लेते कहाँ पे, दिखा दो एक बार, मैंने तो भाई देखा नहीं आज तक, बूफर देख लेते। एक मिनट दिखा दे। अच्छा, आवाज़ आ रही है इसमें? यार मेरी वाली में है या नहीं है, इसमें दिखाते भाई है या नहीं। इसमें नहीं है भाई। अब करते भाई रेंज, मेरी जो भाई ने बता दी अपने वाली की, मेरी पड़ी थी भाई 24 लाख 30 हज़ार की। देख लो ये डिफरेंस, ज़्यादा कुछ नहीं है, टायर का साइज ये, मगर यार भाई लेनी तो है ही, मगर लग्जरी लेने में फ़ायदा कुछ है नहीं, सेम है। मुझे लेनी ऑटोमेटिक, लग्जरी मुझे पड़ रही थी 26.5 लाख रुपए की, इसलिए मगर यार कोई फ़ायदा नहीं इतना पैसा डालने के लिए, जेड 8 ऑटो लेते। स्पीकर वगैरह से भाई इतना कुछ शौक नहीं है हमारे स्पीकर का कि भाई 12 लेने, इसमें 6 है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
ये है भाई देख लो, ये खड़ी दोनों गाड़ी अपनी, कौन सी अच्छी लग रही है वो आप बताओ भाई, कमेंट में ज़रूर बताना। तो भाई ये डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में, स्कॉर्पियो एंड Z8 लग्जरी और स्कॉर्पियो एंड Z8, ज़्यादा कुछ खास नहीं था बट जो डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई आज से व्लॉग मेरे कंटिन्यू रहेंगे, व्लॉग भाई मैं ज़्यादा बड़े लंबे व्लॉग नहीं बनाऊंगा, 4 से 5 मिनट के व्लॉग रहेंगे मेरे, डेली का अपडेट रहेगा। तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले प्लीज़, लव यू ऑल।